Hello students, good morning, how are you? All are fine? Okay. आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आईआईटी का क्वेश्चन यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन उनसे छूट जाता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यदि आप प्रॉपर वे में इसको समझ जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा. इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन आर्गन डायग्राम. सो आई हैव ड्रॉ दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. And let this is origin, this is a point Q, so distance OQ is in magnitude A, and this is the point P, so distance between P and Q is nothing but B. So we can write P equals to A comma B or Z equals to A plus IB. Then when we join the point O and P, then this is the distance between the point O and P, and this is equals to mod of Z. From diagram, OQ equals to A, QP equals to B, then according to Pythagoras theorem, OP square equals to OQ square plus QP square, and therefore OP equals to A square plus B square total. And OP is nothing but magnitude of Z. So magnitude of Z is also can be written as real part of Z plus imaginary part of Z. So here we have found out magnitude, that is distance between the point P and origin. So next point, also here we can find the value of theta, and theta is the angle between real part of Z and the line OP. Always we have considered theta is in anti-clockwise direction positive and clockwise direction negative. So here we can also find out tan theta, that is tan theta equals to PQ divided by OQ B by A. Therefore theta equals to, theta is nothing but in complex number, we also know theta is equals to argument of Z. That means argument of Z equals to tan inverse B by A, and B is imaginary part of Z, divided by real part of Z. So from this diagram, हम लोगों ने दो चीज
निकालने का काम किया, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट मीन्स थीटा, एंड इसके हेल्प से आगे हम लोग बेसिकली चार चीजें यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन डिस्टेंस, जो कि अभी हम लोग निकाले हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, नेक्स्ट वन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, और जितने भी आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है साथ में हम लोग देखते चलेंगे कि कितना सिंपल वे में क्वेश्चन हम लोगों से बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन डिस्टेंस फार्मूला। लेट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी जेड वन एंड क्यू जेड टू, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग ए फेस जेड वन एंड जेड टू इज डी पी कॉमा क्यू मॉड जेड टू माइनस जेड वन, विच इज ऑल्सो रिटन एज मॉड जेड वन माइनस जेड। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, हम लोग ऑलरेडी 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। वहां पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसके हम लोग निकालेंगे। और देखिए कितने सिंपल फॉर्मूला से आईआईटी क्वेश्चन पूछा है, ये हम लोग सोल्व करने का काम करेंगे। सबसे मेन चीज होता है कि न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करना होता है कि किस सेक्शन से हमारा क्वेश्चन है, उसको किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इफ जेड वन एंड जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod z1, mod z1 plus z2 equals to mod z1 plus mod z2, then the value of argument of z1 minus argument of z2 is IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसको हम लोग पहले डिकोड करने का काम करें कि किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है z1 plus z2 equals to mod z1 plus mod z2। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं जेड वन माइनस माइनस जेड टू इक्वल टू जेड वन माइनस जीरो प्लस जेड टू माइनस जीरो। सपोज दैट हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, देखो दिस इज ए, O, B, O, then AB equals to AO plus O. What is this? This is the distance between AO and OB equals to AB. So it will be represented on argon plane
दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दिस इज ओरिजिन ए ओ। हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ए क्या है जेड, ए ओ कितना हो जाएगा मॉड जेड वन, एंड ओ बी सॉरी यहां पे माइनस साइन है तो हम लोग यहां भी माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है मॉड जेड विच इज इक्वल टू माइनस मॉड जेड, सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी सिंस जेड टू इज निगेटिव एंड जेड वन आई हैव टेकन इन फर्स्ट क्वार्टर, सो जेड थ्री मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड क्वार्टर, दिस इज इक्वल टू बी एंड बी इज नथिंग बट माइनस जेड टू एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू, सो टोटल डिस्टेंस मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। अब हम लोग को आर्गुमेंट निकालना किसके किसके बीच में, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ये हमारा क्या है माइनस जेड टू, तो जेड टू किस डायरेक्शन में होगा इसी डायरेक्शन में, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया इसी लाइन पे सी जेड टू। अब आप यहां पे क्लियर वे में देख रहे हैं कि जेड वन एंड जेड टू सेम लाइन पे है, तो आगे हम लोग को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड टू किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इक्वल टू जीरो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग को डिकोड करने का जरूरत है, यदि आप प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं यहां से, तो हम लोग देख रहे हैं कि आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीका से हम लोग आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन सेक्शन फार्मूला, कितना सिंपल सिंपल चीज आपको बतला रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला जो 9th-10th का पढ़ा हुआ चीज है, लेकिन उसी चीज के हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है और सॉल्व करने का काम करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, दो पॉइंट ले लिया पी जेड वन क्यू जेड टू एंड ए पॉइंट आर जेड, आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ लेमडा इज टू वन, सो वी कैन राइट जेड इक्वल टू जेड वन इंटू वन, दैट मीन्स वन इंटू जेड वन प्लस लेमडा इंटू जेड टू डिवाइडेड बाई वन प्लस लेमडा, एंड वेन डिविजन इज एक्सटर्नली देन हेयर वन निगेटिव साइन इज इंसर्टेड, सो जेड जनरल फॉर्म ऑफ जेड इज जेड वन प्लस माइनस लेमडा जेड टू डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस लेमडा, इफ लेमडा इज पॉजिटिव then division is internal, and lambda is negative then division is external. अब इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा, तो बेसिकली हम सेंट्रोइड निकालना चाह रहे हैं, सेंट्रोइड में हमें इसकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने इस पर सिर्फ डिस्कस किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन करना है निकालना है वो हमारा सेंट्रोइड है,
नेक्स्ट पॉइंट सी, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट ए जेड वन, बी जेड टू, सी जेड थ्री, विथ थ्री पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल और थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन मीडियन, सिंस एज वी नो सेंट्रॉइड इज डिफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मीडियन ए डी, बी ई एंड सी एफ। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। एंड वी ऑल्सो नो जी डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो ऑफ 2:1, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो डी इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाय जेड टू प्लस जेड थ्री divided by 2. And when we apply section formula, then GZ equals to 1 into lambda 1, 1 into Z1 plus 2 into Z2 plus Z3 divided by 2 divided by 1 plus 2. And G centroid Z1 plus Z2 plus Z3 divided by 3. Correlate कीजिए इसको coordinate से, coordinate में आप पढ़ चुके हैं, वहां पे हम लोग देखे थे centroid का formula क्या था, X1 plus X2 plus X3 by 3, Y1 plus Y2 plus Y3 divided by 3. Here also we got Z1 plus Z2 plus Z3 divided by 3. और देखिए इस formula से भी आईडी किस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन लेट जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री बी द वर्टिसेस ऑफ of an equilateral triangle, ABC, and mod Z1 equals to mod Z2 equals to mod Z3, then the value of Z1 plus Z2 plus Z3 each. Again, ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए जेड वन, बी जेड टू, सी जेड थ्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जरूरत है। यहां तक तो हमारा ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, एबीसी वर्टिसेस था, हमने ड्रा कर दिया। अब कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, मॉड जेड वन इक्वल्स टू मॉड जेड टू इक्वल्स टू मॉड जेड थ्री। दैट मीन्स कि डिस्टेंस तीनों का इक्वल है, तो कहां से डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि पॉइंट तो यहां पे एक ही दिया हुआ है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा सभी में क्या छुपा हुआ है, ओरिजिन।
इसको हम लोग ये लिख सकते थे मॉड जेड वन माइनस जीरो इक्वल टू मॉड जेड टू माइनस जीरो ओ इक्वल टू मॉड जेड थ्री माइनस ओ दैट मींस ओ इज द ओरिजिन। तो हम लोग एक ओरिजिन बनाने का काम करें एंड ओ ए फ्रॉम फिगर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का हो गया। कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यदि ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है दैट मींस ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज नथिंग सर्कमसेंटर। सर्कम सेंटर हम लोग और क्या जानते हैं इसके बारे में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड इन सेंटर ये सभी एक ही पॉइंट पे होता है। दैट मींस कि हम लोग का सेंट्रॉइड भी सर्कम सेंटर के ऊपर होगा और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं जी इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सर्कम सेंटर एंड सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है जीरो कॉमा जीरो। दैट मीन सर्कम सेंटर किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया। तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री किसके इक्वल हो गया जीरो। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज अभी तक हम लोग देखे थे क्योंकि ये बेसिक चीज में आ जाता है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सेक्शन था, वो भी आसान है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। क्योंकि अभी देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग देखने का काम करते हैं। स्ट्रेट लाइन से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग और डिस्कस कर ले, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से यदि समझ गए तो एंगल का आपका प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन दैट मींस की आर्गुमेंट निकालेंगे एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ डेस दैट मींस आर्गन प्लेन। ए बी सी हमने मान लिया लेट ए इज नथिंग बट जेड नो बी जेड वन सी जेड टू एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Then this angle is equals to 2 pi minus theta। अब यहां पर किस तरह से हम लोग लिखते हैं ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट जब भी हम लोग एंगल की बात करेंगे तो एंगल एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यानी एक्चुअल रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारा थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि मूवमेंट कहां से कहां है, तो थीटा कहां से मूव कर रहा, ए बी लाइन ए बी इनिशियल लाइन हमारा क्या है ए बी, फाइनल लाइन हमारा क्या है ए सी। दैट मीन्स यानी ए बी कहां होगा, डिनोमिनेटर में, कहां जा रहे हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर। दैट मीन्स दिस लाइन जेड वन माइनस जेड नोट एंड न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड। ये हमेशा ध्यान रखिए कहां, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर। ये लाइन हमारा क्या हो गया जेड वन माइनस जेड नोट,
से कहा फाइनल जेड टू माइनस जेड, जेड नोट हमारा कॉमन पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया और ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट जेड टू माइनस जेड वन, जेड नोट एंड जेड वन माइनस। इसी तरीका से हम लोग इस लाइन को, इसको हम लोग और यदि रिप्रेजेंट करना चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एंड जेड टू माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट विच इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू ई टू द पावर आई। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाने का काम करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझाने का काम करते हैं, क्योंकि ये चीज लिखना सीख गए तो यहां से ज्योमेट्री का आपका 50% काम आसान हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो सपोज दैट, ये समझाने के लिए हम आपको अलग से डायग्राम बना रहे हैं। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए जेड वन बी जेड टू, दिस इज द एंगल थीटा वन, दिस इज थीटा टू, देन एंगल बिटवीन द लाइन ए ओ बी थीटा टू माइनस थीटा, और इसी को हमने क्या कह दिया थीटा। यूलर फॉर्म से हम लोग को पता है कि यदि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग यूलर फॉर्म में लिखते हैं जेड इक्वल टू मॉड जेड टू दी पावर आई थीटा। तो जेड वन को हम लोग क्या लिखेंगे जेड वन टू दी पावर आई थीटा वन, जेड टू मॉड जेड टू इंटू ई टू दी पावर आई थीटा टू, देन जेड टू बाई जेड वन मॉड ऑफ जेड टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड वन ई टू दी पावर आई थीटा टू माइनस थीटा वन, एंड थीटा टू माइनस थीटा वन इज नथिंग। सॉरी, इसको थोड़ा सा और यदि हम बढ़ाने का काम करें e to the power i theta 2 divided by e to the power i theta 1, then mod z2 by mod z1 into e to the power i theta 2 minus theta 1, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एंगल कितना है। तो इसी चीज को रीअरेंज कर दिया गया है z2 by mod z2, दैट मींस जो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मैग्नीट्यूड इसको हमने नीचे लेकर के चलाया एंड जेड वन को यहां भेज दिया, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट यदि इसको लिखना चाहे फाइनल लाइन, दैट मींस कि जेड वन माइनस जेड नोट डिवाइडेड बाय मोड जेड वन माइनस जेड नॉट इक्वल टू जेड टू माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय मोड जेड टू माइनस जेड नॉट इनटू ई टू द पावर। देखिए ये हमारा ये इनिशियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन से, यानी ये एंगल, और ये एंगल कितना है टू पाई माइनस थीटा, एंड इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें ई टू दी पावर आई टू पाई माइनस थीटा, दैट इज कॉस टू पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन टू पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, एंड विच इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, दैट मीन्स जेड टू माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय मॉड जेड टू माइनस जेड नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को सर्कल से कोरिलेट करके जब हम लोग बनाएंगे तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं इसके बाद कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे और आईआईटी
किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जेड वन इक्वल टू 10 प्लस 6 आई, जेड टू इक्वल टू 4 प्लस 6 आई, इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू इज पाई बाई 4, देन प्रूव दैट जेड माइनस 7 माइनस 9 आई इक्वल टू 3√2। बेसिकली ये चीज थोड़ा सा हम एडवांस में बता दें कि ये सर्कल का इक्वेशन है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ देरों के बाद, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम हम लोग बनाने का काम करेंगे, क्या कहना चाह रहा है। तो हमें दो पॉइंट दे रखा है, कौन कौन सा, जेड वन एंड जेड टू, दो पॉइंट ए एंड बी। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशली कॉम्प्लेक्स हो या कोऑर्डिनेट, यदि ज्योमेट्रिकली आप बना रहे हैं तो डायग्राम ज्योमेट्रिकली सही होना चाहिए। अब देखिए यहां पे सबसे पहला ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये पॉइंट जो है 10 प्लस 6 आई है, दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 4 प्लस 6 आई, इमेजिनरी पार्ट दोनों में कॉमन है 6 आई, ये क्या है 4, ये क्या है 10। यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जेड वन पहले दिया गया है, जेड टू बाद में दिया गया है। यदि यही चीज आप लेकर के बनाइएगा आपका आंसर वही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली करेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमारा क्या होना चाहिए जेड टू, और ये क्या होना चाहिए जेड वन। तो हमने ए जेड वन एंड बी जेड टू 4 प्लस 6 आई एंड 10 प्लस 6 आई दो पॉइंट है। ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किसी पॉइंट से एंगल पाई बाई 4 बना रहा है, दैट मीन्स कि पी कोई पॉइंट है पी जेड। ये एंगल बना रहा है पाई बाई 4। देखिए पी जेड, जेड कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट क्या है, बेसिकली मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क। अब इस कहीं भी यदि पॉइंट होगा तो हमारा एंगल हमारा कितना बनाएगा पाई बाई 4। यदि इतना आप समझ गए तो अब इसके बाद कुछ ऐसा रहा नहीं। सपोज दैट हमने ये मान लिया कि सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट जेड नॉट है, क्योंकि हम लोग को सेंटर एंड रेडियस निकालना है। अब बेसिकली सर्कल का कंसेप्ट यूज करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोड पे यदि ये एंगल पाई बाई 4 बना रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। यदि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करें तो अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन देखे थे, उसी का हेल्प लेकर के हम लोग यहां पे लिखने का काम करें। जेड वन माइनस जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड आर्गुमेंट, ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये क्या है फाइनल लाइन, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड नोट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड नोट इन टू ई टू द पावर आई पाई बाई 2। अब देखिए हमें सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जेड जेड टू माइनस जेड नोट
एंड जेड वन माइनस जेड नॉट, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो दोनों इक्वल होगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लें तो जेड नॉट माइनस, क्योंकि जेड नॉट हमें निकालना है, अब जेड वन, जेड वन हमारा कितना है 10 प्लस 6 आई डिवाइडेड बाई जेड नॉट, जेड टू हमारा कितना है 4 प्लस 6 आई इक्वल्स टू ई टू द पावर आई पाई बाई टू, ई टू द पावर आई पाई टू इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू आई, जेड नॉट प्लस माइनस 10 प्लस 6 आई इक्वल्स टू जेड नॉट आई माइनस 4 प्लस 6 आई, वेन वी टेक जेड नॉट कॉमन 1 माइनस आई, दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 आई माइनस 4 आई माइनस 6 आई स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 आई एंड जेड नॉट इक्वल्स टू 16 प्लस 2 आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, 1 प्लस रेशनलाइज कर दिया कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 आई प्लस 16 आई माइनस 2 आई स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 14 प्लस 18 आई डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस 9, सेंटर हमें मिल गया, दैट मीन्स कि जेड नॉट कितना आ गया, जेड नॉट इक्वल्स टू 7 प्लस 9। अब हमें रेडियस निकाल देना है, तो हमें जेड नॉट पता है, जेड वन पता है, किसी भी डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से रेडियस निकालने का काम करेंगे। यानी कंसेप्ट बेसिकली इसमें यही छुपा हुआ था कि पहला नंबर जेड वन एंड जेड टू में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेकंड नंबर कंसेप्ट ऑफ रोटेशन को किस तरह से सर्कल से कोरिलेट करके यूज करना है ये आपको आना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्टेंस भी प्रूव करते हैं, रेडियस, दैट इज रेडियस जेड नॉट माइनस जेड टू इक्वल्स टू मॉड 7 प्लस 9 आई माइनस 4 माइनस 6 आई, दैट मीन्स मॉड 3 प्लस 3 आई विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9, दैट मीन्स 3 रूट। सो क्वेश्चन पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है ये चीज क्लियर हो गया तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखने का काम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से देख चुके थे, ठीक है, पहले हम लोग यहां पे समझ लें और उसके बाद देखिए कि आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन कैसे बनता है, अब वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने दो पॉइंट ले लिया पी जेड वन एंड क्यू जेड टू, आर हमारा कोई पॉइंट है जेड जो पी क्यू को लेमडा इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग देख चुके थे जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लेमडा जेड टू डिवाइडेड बाई वन प्लस लेमडा, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। इसी को यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस लेमडा इंटू जेड वन प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई वन प्लस लेमडा इंटू जेड टू एंड विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा जेड वन प्लस, इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 1 माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू जेड। लेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा इक्वल टू टी, देन जेड इक्वल टू टी जेड वन प्लस 1 माइनस टी जेड टू, where t belongs to r।
दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग किए हुए थे सारा काम, उसको सिर्फ एक लाइन आगे बढ़ाने का काम किया, तो हमें ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिल गया। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक। क्लियर है? अजी बेसिकली यहाँ पे हम लोग तीन फॉर्म देखने का काम करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। और यहीं से एक ही चीज से आगे बढ़ते हम लोग चले जाएंगे। तो नेक्स्ट नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए यदि बात करें तो वो भी आपको पता है। सपोज दैट हम इस लाइन की बात कर रहे हैं और इस लाइन पे यदि एंगल निकालना चाहें तो एंगल आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, इस लाइन के बीच का एंगल एंड इस लाइन के बीच का एंगल जेड वन माइनस जेड टू, बताइए कितना होगा? ऑब्वियस बात है सेम स्ट्रेट लाइन पे है तो जीरो होगा और पाई, जीरो और पाई। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम लोग को यहां से पता है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जीरो या पाई होता है, डेट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली रियल। सिंस नो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स जेड इज प्योरली रियल। तो यहां पे हम लोग सेम कंसेप्ट से कह सकते हैं, देयरफॉर जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू इज प्योरली रियल। और यदि ये प्योरली रियल है, यदि जेड प्योरली रियल है तो जेड किसके ऊपर होगा? जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट, दैट मीन्स जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू विच इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू होल कंजुगेट। और साथ में हमें यह भी पता है कि कंजुगेट किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट डिवाइडेड बाई जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई जेड जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू कंजुगेट इक्वल टू जेड कंजुगेट जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड वन और स्क्वायर प्लस जेड वन कंजुगेट जेड 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 वन कंजुगेट दिस इज कैंसिल आउट, जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट जेड वन माइनस जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट जेड टू इक्वल टू जीरो। एंड दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ जेड जेड कंजुगेट वन जेड वन जेड वन कंजुगेट वन जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो। When we solve z, z1 conjugate minus z2 conjugate minus z conjugate, z1 minus z2 and 1 into z1 z2 conjugate minus z2 z1 conjugate. This is also represent equation of a straight line in non-parametric form.
तो यहीं से ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद इसी चीज को हम यदि और आगे बढ़ाना चाहें जनरल फॉर्म, इसी से हम लोग निकाल लेने का काम करें। यहां पे दो कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं, इसको एक लाइन और आगे बढ़ा दें, z1 conjugate minus z2 conjugate minus z1 minus z2 plus z1 into z2 conjugate and minus, इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 into z2 conjugate whole conjugate equals g। क्यों? क्योंकि इसी का होल कंजुगेट हो गया। और हम लोग को पता है सेंस z माइनस z कंजुगेट दिस इज इक्वल टू 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ g। हम लोग i से सभी में मल्टीप्लाई कर दें तो z1 conjugate minus z2 conjugate plus z conjugate minus i z1 minus z2 plus 2i i into 2i imaginary part। किसका इमेजिनरी पार्ट? z1 into z2 conjugate equals to 0। लेट माइनस आई इंटू जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू ए, देन आई इंटू जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक कंजुगेट एंड आई दिस इज ए रियल नंबर आई इंटू आई आई स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन राइट ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर बी इक्वल टू माइनस टू इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन जनरल। तो बेसिकली हम लोग फोर इक्वेशन हम लोग देखने का काम किया। कौन कौन सा, बस इसको समराइज कर लें एक बार, देन इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला हमारा कौन सा फॉर्म मिला था? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा क्या आया था? जेड इक्वल टू टी जेड वन प्लस वन माइनस टी जेड टू, वेयर टी बिलोंग्स टू आर, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकंड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो और पाई, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जेड जेड कंजुगेट वन जेड वन जेड वन कंजुगेट वन जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड थर्ड वन जनरल फॉर्म, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन देखने का काम करेंगे कि किस तरह से इस फॉर्म पे पूछा है और कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट। अभी अभी स्ट्रेट लाइन आप पढ़े हैं, आपको आश्चर्य होगा कि इतना आसान क्वेश्चन भी आईआईटी पूछता है। तो बेसिकली जब आपको थ्योरी आता है उसका एप्लीकेशन सही ढंग से आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, यदि नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग बिना देखे हुए यानी बिना सोल्व किए हुए इसका आंसर दे सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट जेड वन एंड जेड टू आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड जेड इक्वल टू वन माइनस टी जेड वन प्लस टी जेड टू, वेयर जीरो लेस देन टी लेस देन वन, देन दिस फॉर ऑप्शन। तो बेसिकली अभी हम लोग देखें ये किसका इक्वेशन है,
क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रा कर दिए, पी जेड वन क्यू जेड, यहाँ पे कोई पॉइंट जेड है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन माइनस टी। अब बतलाइए कौन सा डिस्टेंस जेड माइनस जेड वन यानी पी आर प्लस आर क्यू इसके इक्वल, टी क्यू के इक्वल होगा, ऑप्शन फर्स्ट है बिना कुछ सोल्व किए। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन का आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, जेड टू माइनस जेड वन के इक्वल होगा। इस लाइन और इस लाइन का एंगल सेम होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑल्सो करेक्ट। एंड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म से अभी यदि हम लोग देखें तो हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे कि जेड जेड कंजुगेट वन, जेड वन जेड वन कंजुगेट वन, जेड टू जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो। यदि यहां पे हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर दें, दैट मीन्स कि आर वन माइनस आर टू एंड आर थ्री माइनस आर वन, देन जेड माइनस जेड वन, जेड कंजुगेट, बेसिकली स्पेस का कमी है, इसको हम इरेज करके जेड जेड कंजुगेट वन, जेड वन जेड वन कंजुगेट वन, जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो। दिस इज आर वन आर टू आर थ्री, प्रॉपर्टी यूज कर लिया आर वन माइनस आर वन टेंस टू, आर वन माइनस आर टू एंड आर थ्री टेंस टू, आर थ्री माइनस आर टू, क्या मिल जाएगा, जेड माइनस जेड वन, जेड कंजुगेट माइनस जेड वन जीरो, जेड वन कंजुगेट वन, जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट जीरो। यदि इस लाइन के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट हम लोग लिख दें तो क्या मिल जाएगा, जेड माइनस जेड वन, जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट, जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट, दैट मींस ऑप्शन सी भी सही। अब हम लोग ऑप्शन डी की बात करें तो ये क्या कह रहा, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, चल इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि सही है या गलत है। जेड वन जेड एंड जेड टू, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट दोनों सेम होना चाहिए। अब बतलाइए जेड माइनस जेड वन ये और ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि जेड तो हमारा मिड पॉइंट है नहीं, क्लियर है, तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है एंड ए सी डी तीन हमारा सही ऑप्शन है। तो यदि आपको कंसेप्ट आता है, थ्योरी पढ़े हुए हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल, व्हाट इज सर्कल, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट The distance from a fixed point is always remain constant. Again, repeat. A circle is the locus of a moving point such that the distance from a fixed point is remain constant. And fixed point is called center of the circle and constant distance is called the radius of the circle. So, definition ke according कहता है कि एक फिक्स पॉइंट C जेड नोट हमने मान लिया एंड P जेड, जेड इस कहीं कोई पॉइंट है
ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मींस किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का डिफरेंस, एक लाइन में जो क्लियर कर सकते हैं। देन पी सी विच इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस जेड नोट, दैट मीन्स जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर इज द इक्वेशन ऑफ वेयर जेड इज सेंटर एंड आर ए एंड वेन द सेंटर पासिस थ्रू when the if the circle having center origin then the equation of circle is mod z equals to r, that means the point z is zero। तो इसके हेल्प से सब सर्कल में फिजिकली न्यूमेरिकल से हम लोग सोल्व करने का काम करेंगे कि न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा है। यदि कंसेप्ट की बात करें तो बहुत ही आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अप्लीकेशन करेंगे। तो एक करके हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। अगेन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, जेड वन मॉड जेड वन इक्वल टू 12 एंड मॉड जेड जेड टू माइनस 3i होल मॉड इक्वल टू 5। हम लोग को क्लियर है कि दोनों ही सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वन जेड वन इक्वल टू 12, दैट मीन्स कि दिस सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 12 एंड सेकंड वन जेड टू हैव टेकन कॉमन माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5। अब एक ही चीज ध्यान रखना होगा, डायग्राम बनाते समय प्रॉपर वे में डायग्राम बनाइए। यदि डायग्राम आपका सही है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पे भी बनेगा। तो फर्स्ट एक सर्कल है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है एंड रेडियस कितना है 12 यूनिट। सेकंड सर्कल 3 प्लस 4 है, सेंटर सेकंड का कहां पे है 3 प्लस 4 है, दैट मीन्स कि 3 यूनिट फ्रॉम रियल पार्ट ऑफ जेड एंड 4 यूनिट फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इसका। अब यहां पे हमें एक चीज देखना होगा कि ये जो सर्कल है बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालें तो ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 3 जा रहा है प्लस 4 जा 16, दैट मीन्स 25 root under 25 that means 5, that means कि ये center से must be pass करेगा क्योंकि radius इसका कितना है 5। यदि z का value 0 रखेंगे तो ये हमारा radius के equal आएगा magnitude, that means कि ये जो circle है वो must be कहां से pass करेगा, origin से pass करेगा। इसका सेंटर 3.4 एंड रेडियस 5 एंड ये रेडियस कितना है 12। अब बात समझ, क्वेश्चन क्या निकालने का, किसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मॉड जेड वन माइनस जेड, कुछ भी नहीं है, डायग्राम बना लिया तो कुछ भी नहीं, कितना आसान क्वेश्चन। बेसिकली जेड वन है क्या, तो जेड वन कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर, ये बड़े वाले सर्कल के ऊपर, और जेड टू हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है किसके ऊपर, इसका स्मॉल सर्कल के ऊपर। अब ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा जब ये जेड टू जेड वन यहां पे होगा और जेड टू हमारा यहां पे होगा। तो बतलाइए
कितना हो जाएगा? तो हम लोग को पता है मिनिमम और मॉड जेड वन माइनस जेड, मतलब ये डायग्राम से ये बड़ा वाला कितना हो गया 12, में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका डायमीटर 10, कितना आ गया 12 माइनस 10 दैट मींस, एंड मैक्सिमम जेड वन माइनस जेड टू। अब बताइए मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा? जब जेड टू हमारा यहां हो और जेड वन किस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट, यदि इस पॉइंट पे होगा तो ये डिस्टेंस हमारा कौन सा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बताइए ये टोटल डिस्टेंस कितना है 24, 24 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें 2, या ये भी कर सकते हैं ये कितना हो गया 12, ये कितना है 10, कितना आ गया 20। दिस इज द, देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्रिकली यदि डिकोड कर ले तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ ही करेंगे, देखते हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है ज्योमेट्रिकली। अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ मॉड जेड माइनस 3 माइनस 2 आई लेस देन इक्वल टू 2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड 2z माइनस 6 प्लस 5 आई इज। चलिए जितना हम लोग पढ़ चुके उससे हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड रीजन क्या हो जाएगा, इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्कल, देन वी कैन राइट जेड माइनस 3 प्लस 2 आई लेस देन इक्वल टू, एंड आई हैव टेकन 2 कॉमन, देन जेड माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 आई। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। This equation represents circle having center 3, 2. One, two, three. And one, two. यहां पे हमारा सेंटर कितना हो जाएगा 3, 2, और सर्कल जिसका रेडियस भी कितना है 2, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस को रियल पार्ट ऑफ जेड को टच करेगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सेकंड, जेड हमारा क्या है, जेड ये पॉइंट है जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो ये पॉइंट कहां पे लाइ करेगा, क्योंकि ये भी इसको हम कोरिलेट करेंगे इस जेड से, तो ये पॉइंट कहां है 3, एंड माइनस 5 बाई 2, दैट मीन्स अब आप बतलाइए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जेड किस पॉइंट पे होगा कि इस पॉइंट से उसका मिनिमम डिस्टेंस हो। तो स्पष्ट क्लियर है कि यदि जेड इस पॉइंट पे होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितना है 5 बाई 2, 2 हमने कॉमन ले रखा है क्योंकि ये डिस्टेंस हमें निकल गया, तो 2 × 5/2 दैट मीन्स 5 इज द मिनिमम। कितना आसानी से हम लोग ज्योमेट्रिकली कोरिलेट करके इसको सॉल्व करने का काम। क्लियर है? चलिए अब एक हम लोग एडवांस का क्वेश्चन देखने का काम करें। आईटी एडवांस किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि समय की अपनी बाध्यताएं हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चन तो अभी और बहुत सारे करवाने थे, लेकिन कुछ एडवांस का क्वेश्चन देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और कैसे उसको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है क्योंकि 3 पार्ट उसमें है, लिंक्ड क्वेश्चन है,
आपको पूरा होल कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करने का काम करेंगे, पूरा होल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखिए, आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिफाइंड बिलो। ए इक्वल्स टू जेड सच डेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। बी इक्वल्स टू जेड सच डेट जेड माइनस टू माइनस आई इक्वल्स टू थ्री। एंड सी जेड इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ वन माइनस आई इंटू जेड इक्वल्स टू रूट टू। अब इसको हम लोग सोल्व, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिखने में तो लगता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यदि इसको आप प्रॉपर वे में ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर देते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का काम करें। देखिए यहां पे फर्स्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सेकंड तो क्लियर है कि ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड में जेड इंटू वन माइनस रियल पार्ट ऑफ वन माइनस आई इंटू जेड। अब यदि डायरेक्ट वे में आप डायग्राम बनाइएगा तो कंफ्यूजन, यहां पे हम लोग जेड को एक्स एंड वाई के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने का कोशिश करें। तो हमने मान लिया कि लेट लेट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस आई वाई। तो ए क्या कह रहा है, ए सच डेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, डेट मीन्स वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सेकंड वन बी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन। एंड सी सच डेट क्या है, वन माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू रूट टू। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस आई वाई माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई इक्वल टू रूट टू। एक्स प्लस वाई माइनस आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट टू। डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू रूट टू, रियल पार्ट कितना है एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू। देखिए ए बी सी तीनों को हमने डिकोड करने का काम किया। अब इसको यदि डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो हमें आसानी से यहां से समझ सकते हैं, कुछ सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 2.1 एंड रेडियस कितना है 3 यूनिट। देखिए क्वेश्चन है, लिंक क्वेश्चन है, इसलिए डायग्राम प्रॉपर वे में बनना चाहिए। यदि डायग्राम सही नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, जिसका सेंटर 2.1 दैट मीन्स 2 यूनिट एंड रेडियस कितना है 3 यूनिट, तो मस्ट बी ये सेट जाएगा। क्लियर है, इसका रेडियस हमारा कितना दे रखा है 3 यूनिट। चलिए इसको और आगे हम लोग करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, बाई हमारा पॉइंट, बाई इक्वल्स टू वन, तो बाई इक्वल्स टू वन का लाइन कौन सा होगा, मस्ट भी कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा, क्योंकि बाई इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन यानी कौन सा पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो ये पॉइंट कितना होगा बताए, यहां पे 2.1 है, 3 यूनिट इधर आए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1.1। एंड ये साइड यदि आगे बढ़े तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा
थ्री यूनिट ऐड करेंगे तो 5.1। एंड अनदर लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू रूट टू एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। अब ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा किसके किसके बीच का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए कौन सा पार्ट है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दैट मीन्स इससे अपर पार्ट, इस लाइन से अपर पार्ट, इस लाइन से अपर पार्ट एंड बी किसका सर्कल, यानी ये सर्कल थर्ड में इस लाइन का सॉल्यूशन, ये लाइन हमारा कौन सा है तो बतलाइए कितने सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ इस पॉइंट पे सर्कल कितना सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि इस लाइन से ऊपर इस सर्कल पे और इस लाइन से, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, कितने आसान तरीके से आप समझ गए। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने का काम करेंगे, चलिए सेकंड पार्ट इसका हम लोग देखने का काम करें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन द जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जेड हमारा कोई पॉइंट है किसमें इंटरसेक्शन, देन जेड प्लस वन माइनस आई होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस फाइव माइनस आई होल स्क्वायर लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाइज करेगा, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, हमने डायग्राम को इरेज नहीं किया है क्योंकि इसी डायग्राम से हमें टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा है, इसको यदि डिकोड करने का काम कीजिए तो जे माइनस माइनस वन प्लस आई होल स्क्वायर प्लस जे माइनस फाइव प्लस आई, पॉइंट नजर आ रहा, देखिए तो माइनस वन वन फाइव वन एंड जेड हमारा क्या कह रहा था इस इंटरसेक्शन में, सपोज डेट इसी को हमने जेड मान लिया पी जेड, तो किसके किसके बीच का डिस्टेंस, सपोज डेट ए पॉइंट ए है और ये बी है तो पी ए एंड पी बी, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बतलाइए ये एंगल बतलाइए ये कितना होगा, क्योंकि ये डायमीटर है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, डेट मीन्स पाई बाई टू, और जब ये पाई बाई टू हो गया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, एंड ए बी क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर इसका क्वेश्चन का थ्री था, थ्री प्लस सॉरी रेडियस इसका थ्री था तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स स्क्वायर डेट मीन 36, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 25, 29, 30, 34, 35, 39, डेट मीन ऑप्शन सी था करेक्ट, क्लियर है ये भी क्वेश्चन, इसको हमने कोरिलेट कर दिया, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा और आसानी से हम लोग निकाल दिया, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, चलिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखने का काम करें, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाई डब्ल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू माइनस टू माइनस आई लेस देन थ्री देन मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस थ्री लाइज बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि हम इसकी बात करें ये कितना है डब्ल्यू माइनस टू माइनस आई लेस देन,
और इस इक्वेशन का सर्कल भी बात करें तो हमारा क्या था, जेड माइनस टू माइनस आई इक्वल टू थ्री, यानी सेंटर तो हमारा यही होगा, रेडियस इससे स्मॉल होगा, थ्री से जस्ट छोटा। अब हमें रेंज निकालने का, किसका रेंज निकालने का, तो मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू। हम लोग को इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से पता है कि मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस डब्ल्यू, दैट मींस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। तो यदि हम इसका बात करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये अपोजिट साइड हो डायमीटर का, डब्ल्यू यहां हो इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, सिक्स, दैट मीन्स की लेस देन सिक्स, दैट मीन्स मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू होल मॉड लेस देन सिक्स। इनइक्वालिटी नहीं लेगा क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी नहीं है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, देन माइनस सिक्स वैल्यू मॉड हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लेस देन मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू लेस देन सिक्स। यहाँ पे थ्री ऐड किया हुआ है, थ्री ऐड कर दे तो माइनस थ्री लेस देन मॉड जेड माइनस डब्ल्यू प्लस थ्री लेस देन, रेंज क्या आ गया, कहां से कहां तक, माइनस थ्री से। तो ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन था और हम लोग एक ही डायग्राम से कितना सिंपल वे में इसको बनाने का कोशिश किए, ये आपके सामने है। यदि आपको डायग्राम क्लियर है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे ढंग से आता है, तो आईआईटी का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग और इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।